हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा जो इंट्राडे का सेटअप है, इंट्राडे का जो ट्रेडिंग का सिस्टम है, वो कमोडिटी में भी कितना अच्छा वर्क करता है, कितना अच्छा काम करता है। ओके, लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्टडी विनय भंडारी, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडी, इसमें जरूर जुड़िए। ब्लॉग है www.blogspot.com, इसमें आपको न्यूज मिलती है, सब लेटेस्ट न्यूज जो भी रहती है यहाँ आपको मिल जाएंगी। मॉर्निंग में बाय हेजिंग करके ट्विटर है, यहाँ भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। चलिए, सबसे पहले हम अपने चार्ट पे चलते हैं। ये एनएससी का चार्ट है। देखिए, निफ्टी ने बाय सिग्नल दिया और उसके बाद ऊपर चल गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉमोडिटी की, तो हम कॉमोडिटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सिल्वर मिनी देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये है सिल्वर का चार्ट। आप सिल्वर के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है यारो, यहाँ पर सिल्वर ने बाय सिग्नल दिया 4400 के आसपास, 4400 44100 के आसपास, 44100 पे सिल्वर ने बाय सिग्नल दिया। उसके बाद देखिए कितना अच्छा ऊपर चला है। अभी तक सेल सिग्नल नहीं आया है, लेकिन लग रहा है थोड़ा सा कि जनरेट हो सकता है सेल सिग्नल, लेकिन अभी तक नहीं आया है सेल सिग्नल। लेकिन यहाँ पर बाय दिया था 44100, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 44800 तक गया है, 44900 तक सिल्वर गया। मींस करीब 800 पॉइंट की रैली सिल्वर ने दी, ये हमारे सिस्टम के हिसाब से देखिए आप। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं, लैड का फ्यूचर देख लेते हैं। ये देखिए, लैड ने सेल सिग्नल दिया है हमें यहाँ पर, ये कह रहा हूँ ना, लेकिन ये क्रॉसओवर भी हमें चाहिए होता है सिग्नल के लिए, तीनों सिग्नल के लिए, तीन सिग्नल है इसमें, तीन सिग्नल के लिए। ये देखिए 154 में सेल सिग्नल दिया और उसके बाद से नीचे कितने अच्छी तरह नीचे की तरफ आया है, और लैड में तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, लेकिन अभी भी सेल में ही है ये लैड जो है, अभी भी सेल में ही है। ओके, निकल देख लेते हैं एक बार। ये कॉमोडिटी में बहुत अच्छा काम करता है ये सिस्टम, कुछ दिन से मैं वॉच कर रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए निकल है, निकल ने हमारे को शॉर्ट सिग्नल जनरेट करा यहाँ पर कहीं 1097 के आसपास, ये एरो दिख रहा होगा आपको, 1097 के आसपास शॉर्ट सिग्नल दिया है, अच्छा शॉर्ट सिग्नल दिया। उसके बाद से देखिए कितना लगाया, 88 का लो लगाया, 1088 का लो लगाया निकल ने। ओके, तो निकल पे भी आपने देख लिया। अब देख लेते हैं एल्युमिनियम, एग्री कमोडिटीज नहीं लिया है मैंने, जो मेन जिसमें वॉल्यूम होता है अच्छा खासा, वही कमोडिटीज ली है। ये देख लिए, ये आ गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मैं बात करूँ तो एल्युमिनियम में देखिए यहाँ पर सिग्नल दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला है एल्युमिनियम के शॉर्ट का 131.25 में। उसके बाद से इसका लो देखिए 131.05, इसने लो लगाया और अभी भी शॉर्ट में ही चल रहा है। देखिए आपके सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एरो बना, यहाँ पर हमें सेल सिग्नल मिलने लगा, लेकिन आते आते 131.25 का सेल सिग्नल मिला, उसके बाद से कितनी अच्छी तरह नीचे की तरफ स्लिप करा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद देख लेते हैं जिंक। देख लीजिए बहुत अच्छा इंट्राडे का सिस्टम है, बहुत अच्छा सेटअप है, ये सेटअप लगा के आप इंट्राडे में बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। चलिए, अब ये क्या है, ये है हमारा जिंक। ये देखिए जिंक का एरो दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ये एरो, जिंक ने यहाँ पर हमें सेल सिग्नल दिया 192, और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था कल कि जिंक ने हमें सेल सिग्नल दिया है। सेल सिग्नल देने के बाद जिंक देखो आज कितना लगाया नीचे की तरफ लो, 190.65 का लो लगाया है, और यहाँ से ये और नीचे की तरफ स्लिप करेगा ऐसा मेरे को लगता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन ये यहाँ से भी और नीचे की तरफ स्लिप करना चाहिए जिंक। ओके, क्रूड ऑयल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस तरह से काम करता है ये सिस्टम, बहुत बढ़िया है सेटअप।
आप अगर सीखना चाहते हैं किस तरह से कैसे लगाया जाता है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9699646408 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। ये देखिए क्रूड ने हमें सेल सिग्नल दिया, कल मैंने डाला भी था 4138 के आसपास हमें सेल सिग्नल मिला था, यहाँ पर 4130 के आसपास पकड़ लेते हैं। और उसके बाद से देखिए नीचे की तरफ ही स्लिप कर गया है क्रूड, अच्छा खासा नीचे आया है ये सेल सिग्नल देने के बाद, और ये कल दिया था हमें सेल सिग्नल। उसके बाद से देख लीजिए आप, ओके क्रूड में भी आपने देखा, और ऐसा नहीं सेल की साइड बाय साइड भी देखिए, यहाँ पर एरो दिख रहा है, ये देखिए ये एरो आपको दिख रहा होगा बाय का, क्रूड का, यहाँ पर बाय दिया था क्रूड 1075 में, उसके बाद देखिए कितना अच्छा ऊपर चला है। तो ये बाय और सेल दोनों साइड देता है, यहाँ देखिए सेल का सिग्नल दिया कितना अच्छा नीचे गिरा है, यहाँ पर बाय दिया लेकिन ज़्यादा नहीं दे पाया, लेकिन सेल भी उसी रेंज के आसपास ही सेल निकाल दिया आपको। ये देखिए यहाँ पर बाय दिया कितना अच्छा ऊपर चला है, तो ये सिग्नल काफ़ी अच्छा काम करता है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे सीखना बहुत ईजी है। गोल्ड देख लेते हैं एक बार, जिसे टेक्निकल नहीं भी आता ना वो भी सीख सकता है, ये बहुत ईजी। देखिए गोल्ड ने अभी शॉर्ट सिग्नल दिया था, मैंने टेलीग्राम में मैसेज भी डाला, गोल्ड ने हमें शॉर्ट सिग्नल दिया है, अब ये शाम तक अपना काम करके चले जाएगा गोल्ड, ओके। गोल्ड के बाद हम एक नेचुरल गैस देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या सिग्नल आ रहे हैं, किस तरह से मूवमेंट दे रहा है वो थोड़ा जानने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। ये देखिए नेचुरल गैस, ये देखिए अभी नेचुरल गैस ने हमें सेल सिग्नल दिया है, यहाँ पर 187 में सेल दिया और 183 हो गया नेचुरल गैस, कितना हो गया 183 में सेल दिया, 183 हो गया। यहाँ पर देखिए बाय का सिग्नल भी दिया था पहले 187.40 के आसपास, फिर 188 तक गया अभी, मतलब एकदम मूवमेंट आता है जब भी इस तरह का हमारा सिग्नल जनरेट होगा, उसके बाद एकदम आपको मूवमेंट में पैसा देके चले जाएगा बाजार। कॉपर देख लेते हैं एक बार, ये देखिए कॉपर ने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया 438 पे, कहाँ दिया 438 के पास में, 438.40 438.50 के आसपास, उसके बाद से 436 नीचे की तरफ स्लिप कर गया और अभी भी खराब ही दिख रहा है, अभी भी खराब दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो बाय सिग्नल दे सकता है, ऐसा लग रहा है दो सिग्नल बाय के दिए हैं, तीसरा सिग्नल बचा है, लेकिन फिर भी अभी तक जब तक बाय सिग्नल नहीं कंफर्म देता तब तक बाय नहीं कर सकते इसे, शॉर्ट में ही है कॉपर, ओके। तो देखिए मैंने आपको दिखाया किस तरह से कमोडिटी में भी हमारा जो सेटअप है, टेक्निकल सेटअप है, बहुत ईजिली अच्छी तरह से काम करता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ आपको टेक्निकल सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ इंडिकेटर्स हैं वो आपको लगाने हैं, वो लगा के आप इसे ऑटोमेटिक आपको बाय सेल का सिग्नल ये सामने सामने आपको देते रहेगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। थैंक यू।